हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाउन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, माय सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या माय सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक दो चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक ए सेंटेंस लिखा, मैं हिंदी में समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को ताकि आप यहाँ से खुद का एक रूल बना सको। जैसे मैंने लिखा, गाँव के गाँव तबाह हो गए। ठीक है, एक तो मैंने हिंदी में एक सेंटेंस लिखा, गांव के गांव तबाह हो गए। यहीं से मैंने एक बी सेंटेंस लिखा, क्या गांवों के गांवों तबाह हो गए। ठीक है, यानी बर्बाद हो गए। मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता होगा हिंदी में ये जो गांव के गांव होता है ये तो होता गलत, लेकिन हम अक्सर देखते हैं गांव के गांव सही होता है। अगर हमें ये पता है कि गांव के गांव सही होता है ये गलत होता है, यहाँ से हमें खुद का रूल एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। क्या गांव एक नाउन हो गया, उसके बाद के एक प्रेपोजिशन हो गई, अच्छा उसके बाद वही नाउन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये एक स्ट्रक्चर खुद का निर्माण कर लिया। अब इसमें देख रहे हैं जो गांव है वो सिंगुलर है और उसके बाद वही नाउन रिपीट हो रहा है, तो जो सिंगुलर नाउन होगा वही नाउन यहाँ पे रिपीट हो रहा है जब एक प्रेपोजिशन बीच में आ रही है। अगर आपको इस हिंदी के सेंटेंस से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया तो हम यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं, क्या पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं हो सकता, क्या होगा पेज आफ्टर पेज, सिंगुलर नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सिंगुलर नाउन। अगर ये हो सकता है तो यानी कि क्या होगा, डोर्स टू डोर नहीं होगा, क्या होगा डोर टू डोर होगा। इसी प्रकार क्या होगा, टाउन्स आफ्टर टाउन नहीं होगा, टाउन आफ्टर टाउन होगा। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो अब वापस इस क्वेश्चन पे आ जाओ। माय सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस, तो यानी कि गलती क्या है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, क्या होगा पेज आफ्टर पेज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। इन सेंटेंस को आप उतार लेना, ये सभी सेंटेंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, आई वेंट टू द टेम्पल with my parents, comma, aunts and cousin, sisters। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्या आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स aunts एंड कजन सिस्टर। हमें इसमें एरर फाइंड आउट करना है कि क्या गलती है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक जैसे मैं समझा देता हूँ कि एक्चुअल में जो नाउन होते हैं इसमें हम वर्ड को याद करके बैठ जाते हैं, इसका ये मीनिंग होता है, लेकिन एक्चुअल में हमें उनका मीनिंग सही तरीके से क्लियर नहीं होता। जैसे मैंने लिखा एक वर्ड, बिग ब्लंडर। ठीक है, ये जो ब्लंडर होता है इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत बड़ी गलती, तो उसके साथ बिग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होता, ब्लंडर अकेला ही क्या होता है सही होता है। इसी प्रकार एक वर्ड होता है चीटर, चीटर ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, वैसे बाकी गैम्बलिंग में एक चीटर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नॉर्मल अपना ग्रामर में देखें तो जो चीट होता है यही नाउन होता है और यही क्या होता है वर्ब भी होता है, यानी चीटर कोई वर्ड नहीं होता, हम बोलचाल में इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, चीट होता है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो तो यानी के कज़न सिस्टर नहीं होता। एक्चुअल में ये होता क्या है, या तो आप बोल दो कज़न या आप बोल दो सिस्टर, दोनों में फ़र्क क्या होता है, जैसे मेरा या चचेरा भाई हो गया तो वो कज़न कहलाएगा, वो सिस्टर हमारी सगी सिस्टर हो गई। अब एक चीज़ समझना कॉमन सेंस से, जो हमारा चचेरा या मेरा भाई या बहन होगी वो हमारी सिस्टर नहीं हो सकती, अगर कोई हमारी सिस्टर है तो वो कज़न नहीं हो सकती, यानी अगर जो हमारी सगी है वो हमारी
चाचा या चचेरिया माँ मेरी बहन नहीं हो सकती, और अगर वो चचेरिया माँ मेरी बहन है तो यानी कि वो हमारी सगी सिस्टर नहीं हो सकती। यानी कि ये दोनों जो वर्ड हैं आपस में क्या बता रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं। अगर कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं तो यानी कि ये जो कज़न सिस्टर यहाँ पे गलत है, डायरेक्ट लिख दो क्या कज़न, या आप यहाँ पे सिस्टर भी अकेला लिख सकते हो, लेकिन ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि कज़न का मीनिंग होता है चचेरा या मेरा भाई या बहन। अगर वो चाचा की लड़की है या मामा की लड़की है तो यानी कि वो सगी सिस्टर नहीं हो सकती, अगर वो सगी सिस्टर है तो वो कज़न नहीं हो सकती। यानी ये कॉन्ट्राडिक्ट फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे एक लिखना होगा क्या कज़न। अब यहीं से हम एक और कॉन्सेप्ट को क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको सिर्फ इतना लिखा, आई वेंट टू द टेम्पल, अब हमें ये कैसा पता चलेगा कि वो यहाँ पे पूजा ही करने के लिए गया है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। एक मैंने बी सेंटेंस लिखा, ये ए हो गया, ही गोज टू द स्कूल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो डेडलाइन है इसका डेस्टिनेशन है वो स्कूल है, यहाँ पे भी स्कूल है, और जो टू प्रेपोजिशन होती है हमेशा डेडलाइन को रेफर करती है। प्रेपोजिशन में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने एक के साथ क्या लिखा है, दा लिखा, और दूसरे के साथ दा नहीं लिखा है। अब हम समझते हैं जो दा आर्टिकल होता है ये क्या होता है, ये आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट मीन्स जिसको आप निश्चित मानते हो। किसकी वीकर फॉर्म होता है ये, दिस और दैट की वीकर फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे ए और एन वन की वीकर फॉर्म होती है, इसी प्रकार दिस और दैट की जो वीकर फॉर्म होता है वो द आर्टिकल होता है। अब ये जो द आर्टिकल होता है डेफिनेट होता है तो मीन स्पेशल पर्टिकुलर कामों के लिए आएगा। अब अगर स्पेशल कामों के लिए आएगा तो यहाँ पे समझना, ही गोज टू स्कूल, अगर वो स्कूल गया तो कोई स्पेशल काम के लिए नहीं गया है। अगर स्पेशल काम के लिए नहीं गया तो यहाँ पे स्कूल बिना आर्टिकल के आएगा। कहने का मतलब है जो ही है वो क्या है, वो एक स्टूडेंट है। स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे दा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई स्पेशल पर्पज़ या काम के लिए नहीं गए हैं। स्कूल में जाना क्या होता है, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे ही क्या हो गया, वो यहाँ पे एक स्टूडेंट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दा लिख रहा हूँ तो यानी मेरा जो एम है स्कूल में जाने का वो पढ़ने का नहीं है, मैं किसी ज़रूरी काम से स्कूल में गया हूँ। तो अगर मैं कोई ज़रूरी या स्पेशल काम के लिए गया हूँ तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दा आर्टिकल लिखा है। तो यहाँ से आप कोई खुद का रूल बना सकते हो क्या, अगर हम खुद नॉर्मल जैसे मान लो इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इंस्टीट्यूट के साथ दा नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हम सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं तो इंस्टीट्यूट के साथ हमें दा लिखना होगा, क्योंकि वहाँ पर हम एक स्पेशल पर्पज़ की बात कर रहे हैं जिसकी पूर्ति के लिए हम वहाँ पर इंस्टीट्यूट में गए हैं, ठीक है। बात क्लियर, यानी स्पेशल पर्पज़ को बताने के लिए हम दा आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर ये सेंटेंस है, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स आंट्स एंड कज़न सिस्टर्स, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे द आर्टिकल लिखा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे द आर्टिकल लिखा हुआ है तो उसका कहने का मीनिंग है जो आई है वो यहाँ पूजा करने के लिए नहीं गया है, सिर्फ वो अपना नॉर्मल वहाँ पे अपने पेरेंट्स आंट्स और कज़न सिस्टर के साथ गया है। इसका यहाँ पे टेम्पल में सिर्फ जाने का पर्पज़ कोई और है, वो यहाँ पे पूजा करने के लिए नहीं गया है। अब यहाँ से एक और हम एक रूल बना सकते हैं क्या, जैसे कुछ वर्ड हो गए मार्केट, जैसे हो गया स्कूल, जैसे हो गया यूनिवर्सिटी, ठीक है, जैसे हो गया क्या टेम्पल, जैसे क्या हो गया जेल, जैसे क्या हो गया हॉस्पिटल, ठीक है। ये डेस्टिनेशन को रेफर करते हैं, यानी आप कहीं पे जाते हो तो ये डेस्टिनेशन है। अब अगर मार्केट में आप सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हो, यानी आपका मार्केट में पर्पज़ क्या होना चाहिए, अब मार्केट में परचेजिंग होनी चाहिए, आप खरीदने के लिए जा रहे हो। अगर आपका पर्पज़ खरीदना ही है तो आप मार्केट के साथ दा नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये अपना रेगुलर पर्पज़ है। अगर आप रेगुलर पर्पज़ के लिए जाएंगे तो उसमें दा नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आप मार्केट सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हो, तो अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो यानी आपका कोई स्पेशल पर्पज़ है, मान लो आप मार्केट में वैसे किसी से मिलने जा रहे हो तो ये आपका स्पेशल पर्पज़ है। अगर आप स्पेशल पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, दा लिखना होगा। यही काम जैसे जेल में है, जैसे जो क्रिमिनल होगा वो तो जेल ही जाएगा, अगर क्रिमिनल जेल में जाएगा तो उसका जेल में जाने का काम उसी का है, तो यानी हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम मान लो जेल में किसी से मिलने जाते हैं पुलिस वाले से, तो हम जेल में बंद होने के लिए नहीं जा रहे, हमारा कोई स्पेशल काम है, कोई स्पेशल पर्पज़ है, और स्पेशल पर्पज़ को डिनोट करता है दा आर्टिकल। अगर दा आर्टिकल स्पेशल पर्पज़ को डिनोट करता है तो हमें जेल के साथ दा लिखना होगा। इसी प्रकार हॉस्पिटल के साथ, अगर कोई मरीज है, अगर कोई पेशेंट है
वो हॉस्पिटल जाएगा, तो उसका पर्पज़ वही है हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए। लेकिन मान लो अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं, मान लो किसी से मिलने के लिए जाते हैं या किसी से बातचीत करने के लिए जाते हैं, अब हम स्पेशल पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। हॉस्पिटल किस पर्पज़ के लिए बना है? मरीजों के ठीक होने के लिए, पेशेंट को ठीक होने के लिए। लेकिन हम वहाँ पर ठीक होने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि हम वहाँ पर कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। अगर हम स्पेशल पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो सिचुएशन में हमें क्या लिखना होगा? द आर्टिकल लिखना होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यानी कि इन सभी वर्ड्स के साथ अगर हम दा लिख देते हैं तो उसका क्या मीनिंग हुआ? हमारा कोई स्पेशल पर्पस है और उस पर्पस की पूर्ति के लिए हम वहां पे गए हुए हैं। लेकिन अगर हम जो काम है, जो रेगुलर काम होता है, जैसे मार्केट में सब्जी परचेज करना, स्कूल में पढ़ने के लिए जाना, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना, टेंपल में पूजा करने के लिए जाना, अगर इनका कोई स्पेशल पर्पस है तो दा का इस्तेमाल करना। अगर कोई स्पेशल पर्पस ना हो तो वहां पे दा का इस्तेमाल मत करना, ठीक है? तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। किताबों में, कई किताबों में आपको यहाँ पे एरर मिलेगा कि दा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअल में विद कॉन्सेप्ट को सीखना ज़रूरी है। मैं आपको बिना रूल्स के ग्रामर को सिखा रहा हूँ, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक चीज़ याद रखना, किताबें जो होती है वो टाइपिंग मिस्टेक होती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम विद रीज़न के साथ पढ़ने लग रहे हैं कि क्या रीज़न है। तो किताबों में आपको यहाँ पे एरर मिलेगा कि दा नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअल में एरर कहाँ पे है? यहाँ पे है कज़न सिस्टर नहीं आएगा, ठीक है? थर्ड सेंटेंस देखते हैं। एक मैंने एक थर्ड सेंटेंस लिखा, आई लाइक दी पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली, ठीक है? सेंटेंस क्या है? आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली, ठीक है? एक बार देखो इस सेंटेंस में क्या गलती है। चलो देखते हैं एक बार। एक्चुअली में यहां पे पोएट्री नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? पोएम्स आएगा। अब हम समझ लेते हैं कि पोएम्स क्यों आएगा। अगर बायरन और शैली अलग अलग हैं तो यानी कि यहाँ पे दो इंसान हैं। अच्छा, दो इंसान हैं तो अपनी अलग अलग पोइट्री लिखेंगे, एक पोइट्री इसकी हो गई, ठीक है, ये भी लिखेगा। लेकिन एक्चुअल में एक चीज़ समझना, जो ये पोइट्री वर्ड होता है ना, पोइट्री एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है? अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम फील करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या करते हैं? फील करते हैं। अब दूसरी चीज़, हम पढ़ते किसको हैं? हम पोइट्री को नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं पोएम्स को, ठीक है? अगर उसने पोइट्री को पढ़ा होगा तो पोइट्री को एक्चुअल में हम फील ही कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। हम करते क्या है? हम पढ़ते किसको हैं? हम पोएम्स को पढ़ते हैं। अब अगर उसने एक पोएम को पढ़ी होगी तो बायरन और शैली ने लिखी है, यानी वे दो पोएम होंगी। अगर दो पोएम होंगी तो यहाँ पे पोइट्रीज तो हम लिख नहीं सकते, या तो आप ही लिखो पोइट्री, लेकिन पोइट्री भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं होगा। अगर पोइट्री भी ऑप्शन बेटर नहीं है तो हमें क्या लिखना होगा? पोएम्स लिखना होगा। तो आई लाइक द पोएम्स ऑफ बायरन एंड शैली, ठीक है? जो चीज़ वो पढ़ेगा उसको ही पसंद करेगा, ठीक है? पोइट्री को हम नहीं पढ़ सकते, पढ़ किसको सकते हैं? पोएम्स को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? पोएम्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, द ड्राइवर थर्ड क्वेश्चन है, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग the damaged car, keeping the damaged car under control, ठीक है? एक दो और सेंटेंस लिख लेते हैं। फोर्थ, when I entered my bedroom I saw a snake traveling
ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये सभी नाउन के एरर हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, सीजीएल लेवल तक के एग्जाम में ये सभी सेंटेंस हमारे पूछे गए हैं, ये वर्ड्स के एरर हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं, द ड्राइवर शोड ए ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। दो वर्ड होते हैं, एक तो वर्ड होता है टैलेंट, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा वर्ड क्या होता है, दूसरा वर्ड होता है स्किल, ठीक है। जो टैलेंट होता है ये इन बर्थ होता है, मतलब एबिलिटी होती है जो बर्थ के साथ आपके आती है। जैसे किसी की वॉइस होगी, जैसे लता मंगेशकर है, उसकी वॉइस क्या होगी, उसका एक टैलेंट हो गया। लेकिन जो स्किल होती है इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम लर्निंग सेंस में लिखते हैं, ठीक है। जो टैलेंट होता है वो एबिलिटी होती है, लेकिन जो स्किल होता है वो क्या होता है, लर्निंग होती है। हम स्किल को सीख सकते हैं, लेकिन जो टैलेंट है वो इनबिल्ट हमारे इनबोर्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, जो ड्राइवर है उसके अंदर क्या होगा, टैलेंट होगा गाड़ी को चलाने का, जो गाड़ी है उसको सीखा जा सकता है, वो इनबिल्ट नहीं होता। जैसे बच्चे का जन्म हो गया, अब वो गाड़ी को नहीं सीख सकता, उसको सीखने के लिए उसको क्या चाहिएगा, लर्निंग चाहिए होगी। अगर लर्निंग चाहिए होगी तो उसको किसकी जरूरत है, स्किल की जरूरत है। अगर उसको स्किल की जरूरत है तो यहाँ पर टैलेंट गलत है, हमें क्या लिखना होगा, स्किल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, When I enter my bedroom, I saw a snake crawling on the ground. अब दूसरी एक और चीज़ समझना, अगर हम बात करें वो अपने बेडरूम में गया तो ये कैसा एरिया हो गया। अच्छा, अगर वो बेडरूम है तो यानी उसमें ग्राउंड तो हो नहीं सकता। ग्राउंड का मीनिंग होता है खुला मैदान, ठीक है। ग्राउंड का मीनिंग क्या होता है, खुला मैदान। जैसे जो क्रिकेट का मैच खेला जाता है वो कहाँ पे खेला जाता है, वो ग्राउंड में खेला जाता है, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन जो बेडरूम है उसका एक निश्चित ऑक्यूपाइड स्पेस होता है। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें होता है जी फ्लोर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फ्लोर थर्ड फ्लोर। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो तो यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, व्हेन आई एंटर माय बेडरूम, अगर वो बेडरूम में गया होगा तो यानी एक ऑक्यूपाइड स्पेस में गया होगा, एक ऑक्यूपाइड रूम में गया होगा, वहाँ पे उसने क्या देखा, आई सॉ अ स्नेक क्रैवलिंग ऑन द ग्राउंड। अब अगर वो अपने बेडरूम में गया तो वो ग्राउंड की तरफ तो देखेगा नहीं, अपने बेडरूम में देखेगा। अगर वहाँ पे वो अपने बेडरूम में देखा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फ्लोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्ल्यू हिज कैप ऑफ, ठीक है। ये सेंटेंस है, ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्ल्यू हिज कैप ऑफ। अब हम कुछ वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या जो ब्रीज वर्ड होता है, ये हल्की हवा को वो हम बोलते हैं। मान लो कोई हल्की हवा है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रीज बोलेंगे। दूसरा, जो एटमॉस्फेयर में होती है उस हवा को हम एयर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो विंड होती है वो होती है क्या, तेज़ हवा। अब हमें समझना है एक और वर्ड होता है क्या, एयर्स। एयर्स होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है घमंड, ठीक है, बोस्ट, यानी आपके अंदर घमंड है उसको हम एयर्स बोलते हैं। विंड होती है तेज़ हवा, एयर होती है नॉर्मल हवा, और ब्रीज क्या होती है, हल्की हवा। एक स्ट्रॉम भी होती है, स्ट्रॉम ऐसी हवा होती है जिसमें तूफान होता है, जिसमें बिजली भी कड़कती है। अब एक चीज़ समझना, जो ब्रीज है हल्की हवा वो स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं सकती। स्ट्रॉन्ग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग विंड होगी। अगर विंड स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो क्या होगी, उसकी कैप पलट जाएगी, यानी उसकी कैप है वो उड़ के चली जाएगी। अब हमें पता है कि जो हल्की हवा होगी वो कैप को नहीं हटा सकती। कौन सी हवा हटा सकती है, विंड हटा सकती है। तो यहाँ पे क्या गलती होगी, आपको लिखना होगा, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू हिज कैप ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन वी ई एन वी वाई, एन वी स्ट्राइक्स ए वीमेन वेन शी सीज हर हजबेंड टॉकिंग टू द अनदर
वोमैन, ठीक है। एक और लिख लो, द कार कुड नॉट एसेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन ए रॉन्ग गियर्स। समझना एक चीज, एमवी स्ट्राइक ए वोमेन वेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वोमेन। अब एक वर्ड होता है क्या, एक वर्ड होता है एनवी, ठीक है, ई एन वी वाई, और एक वर्ड होता है जेलसी। जेलसी का मीनिंग होता है, मान लो आपके पास कोई वस्तु है और उसको खोने से डरो, ठीक है। मान लो आपके पास कोई वस्तु है, आपके पास मान लो कोई और दूसरा इंसान है, ठीक है, आपको डर है वो आपसे कहीं दूर ना चला जाए, वह या उसको आप खोना दो, कोई दूसरा इंसान, कोई तीसरा इंसान उसको छीन ना ले, तो आपको क्या होगी, जेलसी होगी, ठीक है। अब एनवी की बात करते हैं, मान लो कोई दूसरा इंसान है और एक आप हो, ठीक है, ये आप आई हो गया, मान लो आप हैं, अब आप किसी दूसरे इंसान से जलने लग रहे हैं, ईर्ष्या करने लग रहे हैं। ईर्ष्या भी दो टाइप की होती हैं, इस इंसान के पास मान लो कोई महंगी गाड़ी है, कार है, तो अब जो ईर्ष्या होगी आपको वो क्या होगी, वो एनवी होगी कि ये गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ईर्ष्या हो रही है कि कहीं कोई दूसरा इंसान आपसे वो छीन ना ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जेलसी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एनवी स्ट्राइक्स ए वोमेन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वोमेन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो वोमेन है, जो उसका हस्बैंड है, वो किसी दूसरी वोमेन से बात करने लग रहा है। अगर वो किसी दूसरी वोमेन से बात करने लग रहा है, तो ये जो वोमेन है उसको जेलसी होगी या एनवी होगी, उसको होगी जेलसी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो उसको छीन ना ले। तो यहाँ पे एनवी गलत है, क्या लिखना होगा, जेलसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द कार कुड नॉट एसेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन ए रॉन्ग गियर। अब हम समझते हैं एक और, यहाँ पे गियर्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, गियर आएगा। एक्चुअल में जो कार होती है, एक दो तीन चार पाँच और छः, ठीक है, उस कार में कितने गियर होते हैं, पाँच गियर होते हैं, एक होता है रिवर्स गियर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं और अच्छे से डिटेल से समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, दिस कार हैज फाइव गियर्स, ठीक है, इस कार में पांच गियर हैं, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है, ये अपना क्या है, डिटरमिनर, और डिटरमिनर के बाद इसका नाउन आ गया गियर्स। लेकिन अगर मैं लिखूं, दिस इज ए फाइव गियर्स कार, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, तो यहाँ पे जो फाइव गियर है, ये डिटरमिनर है, ठीक है, डिटरमिनर या मॉडिफायर। हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया हो कि जो मॉडिफायर होते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं, उनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव के अंदर एस और एस लगने की क्वालिटी नहीं होती, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट नहीं होता कि हम उसमें एस और एस लगा सकें। तो यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ कार है, जिसमें पाँच गियर हैं, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब एक चीज़ कॉमन सेंस से समझने वाली बात है, एक टाइम पे गियर में, यानी अगर हम रॉन्ग गियर लगाएंगे तो एक टाइम पे एक ही गियर लगेगा, अगर एक टाइम पे एक ही गियर लगेगा तो यहाँ पे गियर्स तो गलत है, तो इस गियर्स को हटा के क्या लिख दो, गियर लिख दो, ठीक है। होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।